और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से, जहां मुंबई के कोलाबा में इमारत में आग लग गई है। रीगल सिनेमा के सामने ये इमारत है और आग पर काबू पाने का कोशिश जारी है। आपको बता दें कि आग बुझाने के लिए फिलहाल दमकल की 8 गाड़ियां लगी हुई हैं। आग कैसे लगी इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये भयानक आग है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धुएं का धुमार लगातार जो दिख रहा है, ये आग बढ़ रही है और तेज हवा की वजह से ये आग और ज्यादा फैल चुकी है। आग बुझाने के लिए 8 दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मुंबई का ये वेस्ट पुराना कोलाबा इलाका है जहां पर आग लगी है। ना सिर्फ धुएं का घुमार बल्कि आग की लपटें भी उठती हुई दिखाई दे रही है और ये आग भयानक होती जा रही है। रीगल सिनेमा के पास बिल्कुल पास वाली बिल्डिंग में ये आग लगी है। आग काफी बढ़ चुकी है, आग लगातार फैल रही है। धीरे धीरे आग लगी, लेकिन अचानक से इसने विकराल रूप धारण कर लिया है और इस आग ने बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है, क्योंकि हवा दूसरी तरफ से चल रही है। और अगर आप दूर से देखें तो बिल्डिंग के दूसरी तरफ काला घना धुआं है जो आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हवा चल रही है जिसकी वजह से ये आग और भड़क रही है, तो घने काले धुएं का घुमार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक है। हालांकि दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिलहाल इस आग पर काबू पाना मुश्किल लग रहा है। हवा भी तेज चल रही है वहां पर, जिसकी वजह से आग और ज्यादा भड़क चुकी है। दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये वो बिल्डिंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी बिल्डिंग में आग लगी है। दोनों तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आग काफी भयानक लगी है और आग बुझाने का काम इस वक्त भी चल रहा है, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।